हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज विश्व अफेयर में बहुत ही अच्छी क्लास है और ये जो मैं क्लास करा रहा हूं आपके पेपरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके थंबनेल पर, आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने जो मैंने थंबनेल पर लिखा है, लिंपी वायरस से लाखों गायों की मौत। आई आज हम अपनी क्लास के अंतर्गत इस लिंपी वायरस को जानेंगे जो कि बहुत ही खतरनाक है गौ वंश के लिए, खासकर गौ जो हमारी गौ माता है। ठीक है, यह विश्व भर में भी बहुत ही ज्यादा फैल रहा है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, आज इसके बारे में, लिंपी वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, वैक्सीन कौन सी बनी है नहीं बनी है, और इसके बचाव कौन कौन से हो सकते हैं, ये सभी चीजें जानकारी आज मैं इस क्लास में, इस सेशन में दूंगा आप सभी को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मैगजीन पढ़ाता हूँ, न्यूज़पेपर, जिसमें लिखा द हिंदू की न्यूज है, 57,000 कैटल डाइड सो फार फ्रॉम लिंपी स्किन डिजीज, सेंटर आस्क्ड टू बूस्ट वैक्सीन प्रोसेस। तो ये जो बीमारी फैल रही है, अभी तक 57,000 गांव की, मतलब कि काउ काउ या फिर एनिमल्स हैं, इस लिंपी वायरस से मर चुके हैं। मतलब ये सरकारी आंकड़े हैं, वैसे बताएं, वैसे पता नहीं कितने मर चुके हैं। ठीक है, ये 57,000 सरकारी आंकड़े आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये जो लिंपी स्किन जो डिजीज है या वायरस है, यह 6-7 स्टेट में फैल चुकी है, इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। सबसे पहले इसके इतिहास का जान लेते हैं, कब से कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी लिंपी वायरस की। पहली बार 1929 के दौरान अफ्रीका में पाई गई थी लिंपी वायरस। लिंपी नामक जानवर की संक्रमक बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में आई थी। ये इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, नोट कर लेना इसको। ठीक है, पिछले कुछ सालों में यह बीमारी कई देशों में फैल गई और इस बीमारी में साल 2015 में तुर्की और ग्रीस जैसे देशों में, फिर बाद में रूस जैसे देशों में इस बीमारी ने, लिंपी वायरस ने तबाही मचा दी थी। ठीक है, जुलाई 2019 में लिंपी बांग्लादेश में देखा गया, फिर ये कई एशियाई देशों में भी आ चुका है। अब एशियाई की बात कर लूं मैं अपने की, 7 एशियाई ऐसे देश है जिसमें लिंपी बीमार या वायरस फैल चुका है, इसकी बीमारी फैल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार लिंपी जो साल 2019 में यह 7 एशियाई में फैल चुका है, उसके कौन कौन से, जैसे कि ताइवान है, नेपाल है, ठीक है, भारत अपना है, चीन है, फिर भूटान है, वियतनाम, इन देशों में काफी हद तक, हांगकांग भी है, ये सभी फैल चुका है लिंपी वायरस, जो कि लिंपी बीमारी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कौन कौन से देशों में फैल चुका है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं बता दूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जो पशुओं को लेकर के जागरूक करता है, उसने इसको वर्ल्ड, मतलब कि अधिसूची बीमारी घोषित कर दिया है। ठीक है, अगर किसी भी देश को इस रोग के बारे में पता चलता है तो विश्व पशु स्वास्थ्य को संपर्क कर सकते हैं या सूचित कर सकते हैं। जैसे कि आज अपने भारत के अंतर्गत 15 ऐसे राज्य हैं कम से कम जिसमें यह लिंपी वायरस फैल चुका है। ठीक है, अब लिंपी वायरस के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है, इसके लक्षण, बचाव कैसे हो सकते हैं, सभी चीजें अब मैं बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। ठीक है, लिंपी वायरस जानवरों में पाई जाने वाली एक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी दुधारू पशुओं में हो पाई जा रही है, जैसा आपको दिख रहा होगा फोटो के अंतर्गत, मुख्य रूप से ये गाँव में देखने को मिल रही है। इससे संक्रमित होने वाले गाँव को हजारों की संख्या में मौत हो चुकी है, जैसे मैंने आपके आंकड़े दिखा दिए हैं। लिंपी वायरस संक्रमित पशु के संपर्क में आने से अन्य स्वस्थ पशुओं में हो जाता है। लिंपी वायरस जो है, यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अधिसूचित बीमारी, जिसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, घोषित कर चुका है। और मैं इसके बारे में चर्चित करता हूँ, ये कैसे फैलता है लिंपी वायरस, एक मतलब कि एक पशु से या एक गाय से दूसरे गाँव में पशुओं के अंतर्गत। ठीक है, तो लिंपी वायरस एक संक्रमित रोग है, संक्रमण रोग है, ठीक है, जो एक पशु से दूसरे पशु को हो जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि इसका संक्रमण मुख्य रूप से मच्छर के द्वारा, मक्खियों द्वारा, या फिर जू के द्वारा, या फिर आप जो, जैसे कि एक दूसरे के झूठन का जो चारा होता है इनका, वो खा लेना, दूषित खाना खा लेना, उसके, उसकी जो बीमारी फैल रही है, उसके लिंपी वायरस मेन कारण बताया जा रहा है। ठीक है, एक पशु से दूसरे पशु के अंतर्गत वर्तमान में 15 से भी अधिक राज्यों से, इस मैंने जैसे बताया 15 से अधिक राज्य इस लिंपी वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं। इस बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए समय पर लक्षणों की पहचान कर उनमें इलाज शुरू कर दिया है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने शुरू में थंबनेल में डाला, थोड़ा मैं बता दूं लक्षण कैसे कैसे दिखते हैं। लिंपी वायरस से संक्रमित पशुओं को संक्रमण के बाद तेज बुखार बना रहता है, दूध में कमी आ जाती है, पशु कुछ खाते नहीं है, कोई चारा नहीं, और दूसरी बात है मेन जो दिखाई देता है इसमें, इनके चकते हो जाते हैं, गठियादार गांठें पड़ जाती हैं इनके शरीर के ऊपर, स्किन पर। ठीक है, भूख कम लगती है, पैरों में सूजन आ जाती है, ये सभी लक्षण है जो लिंपी वायरस के। ठीक है, आपको मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सीधे चैनल पर इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हो, और इन सभी
सभी को देख सकते हो। लक्षण हो वर्ण, इसके पूरे इतिहास को जो मैंने पढ़ाया शुरू में, कैसे फैलता है या लक्षण है, बचाव, सभी चीजें मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है और आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। क्या है लंपी वायरस से बचाव, बचाव कैसे कर सकते हैं, यदि कोई पशु संक्रमित हो जाए तो अन्य पशुओं से दूर रखें उसे, वही बात है ठीक है। अगर कोई मर भी जाता है तो उसको दवा दे जल्दी से जल्दी, ठीक है, यूं ही नहीं छोड़े उसको। मक्खी मच्छर आदि को खत्म कर लिए, कुछ उसके लिए घरेलू उपाय करें, ठीक है, ये सभी चीजें होनी चाहिए। और दवाइयों का छिड़काव करें पशुओं के आसपास, ठीक है। दूसरी बात बता दूं, पशुओं को मल्टीविटामिन दवाई दी जा सकती है जिससे कि इससे इम्यूनिटी बढ़ सके उसके अंदर, गायों को या फिर भैंसों को जिसको भी ये बीमारी हो रही है। लंपी वायरस से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक दवाइयां दी जा रही है, ठीक है। एक और बात बता दूं कि इसके लिए गॉड पॉक्स वैक्सीन लगाई जा रही है, जो भी पशु इससे संक्रमित हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। और थोड़ा सा मैं बता दूं, विश्व डेयरी सम्मेलन आपको मैंने करंट अफेयर में कराया था, नरेंद्र मोदी जी ने 12 सितंबर को इसका उद्घाटन करा था विश्व स्तर पर, जो कि नोएडा के अंतर्गत। इसी में थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं, इसी में भाषण देते हुए उन्होंने इस बीमारी का भी जिक्र किया था। उन्होंने बोला था कि जो ये बीमारी है, वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के लिंपी वायरस जो है इसके लिए टीका शुरू कर दिया, मतलब टीका स्वदेशी बना लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी पशुधन की क्षति हुई है और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी त्वचा रोग के स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। इस वैक्सीन का नाम भी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना ले। 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया, सभी जितने भी पशु भारत के अंदर उन सबको वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। 2025 तक इसका पूरा टारगेट है, ठीक है मेरे भाइयों। अब मैं एक और बात बता दूं, दूध से चलते की बात हुई है, तो जब पशुओं की बात हुई तो दूध के उत्पादन की मैं बात कर दूं। 2014 में हमारे जो आंकड़े थे दूध को लेकर के, 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, पीएम मोदी के आंकड़े बता। लेकिन आज के समय में जो है यह अब बढ़कर के 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यह यानी करीब 44% की वृद्धि हुई है 2022 के अंतर्गत। दूसरी बात मैं बता दूं, आज करंट अफेयर में मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर अपना देश है जो भी दूध के उत्पादन करता है, अपना भारत, ठीक है। थोड़ा वैक्सीन के जो नाम है वो जो ICAR नेशनल इक्वन रिसर्च सेंटर के द्वारा हरियाणा हिसार है डेवलप द लिम्पी डिसीज वैक्सीन नेम, मतलब लिम्पी प्रो वैक्स PROVACIND, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर दे दी। लिम्पी डिजीज वैक्सीन नेम्ड है इसका, और VAC से वैक्सीन है इंडिया से, IND से इंडिया है, कोलेबोरेशन विद इंडियन, इसने कोलेबोरेशन किया है IVRE, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि उत्तर प्रदेश बरेली से है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के इसका वैक्सीन निकाला जिसका नाम है लिम्पी प्रो वैक्सीन, ठीक है मेरे भाई। तो इंपॉर्टेंट है वैक्सीन, आपके सामने मैंने रख दिया। और इसमें ये जो एक और बात है, द इंडियन काउंसिल ने बताया ICAR के द्वारा एक और वैक्सीन है जो कि जिसको कहा जाता है गॉट एंड शिप पॉक्स वैक्सीन, जिसको जो भेड़ बकरियों को लगाई जाती थी, उनको बीमारी हो जाती थी ये, तो उनके जो उनको लगाई जाती थी वो 100% इफेक्टिव है इन जो गौ वंशों को, जिस भी लिंपी वायरस जो हो रही है गौ को, भैंस को, किसी को, तो 100% इफेक्टिव, मतलब प्रभाव पड़ रहा है सही होने का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गोट एंड सी पॉक्स वैक्सीन, इसका भी नाम आप याद कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बात राजस्थान की करता हूं मैं, आज के समय में राजस्थान में कम से कम 15 से 18 हजार गाय ऐसी हैं जो इस रोग से ग्रस्त होकर के मृत्यु, मतलब मर चुकी हैं, ठीक है मेरे भाई। और जो ग्रस्त हो गई हैं उनकी पता ही नहीं है, उसके कारण क्या पड़, उसका प्रभाव क्या पड़ा है दूध पर, उसके मैं बता दूं, राजस्थान में लंपी वायरस का असर है। हर दिन 4 लाख लीटर दूध की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, आप लगा सकते हो अंदाजा, ठीक है। तो इसकी जल्दी से जल्दी आपको मैंने सब चीज पूरी डिटेल बता दी है। तो हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो टारगेट रखा 2025 का, इसको लेकर के वैक्सीन जो भी वैक्सीनेशन हो जाएंगे सभी अपने पशु पूरे भारत के अंतर्गत है, तो ये सभी चीजें डिजीज वैक्सीन आ चुकी है। और वैक्सीन को जो प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि सभी चीजें लगाई जा रही है, जो ग्रस्त हो उसको ही लगाई जा रही है, ठीक है, ये लंपी वायरस की जो वैक्सीन है, ठीक है। तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है इस क्लास के अंतर्गत। कहीं भी किसी भी स्लाइड में आपको कोई भी शिकायत है या फिर किसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो प्रॉपर तरीके से मुझे पूछ सकते हो टेलीग्राम से के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, किसी भी प्रकार से आप मेरे से बातचीत कर सकते हो और आप अपने क्वेश्चन का जवाब ले सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास मेरी यहीं पर समाप्त होती है। आज का सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता चल जाएगी मुझे, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।